Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज के वीडियो में हम Feynman डायग्राम्स के अलाउड वर्टिसेस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है. सो लेट अस बिगिन. इस वीडियो में हम वीक इंट्रैक्शन के लिए अलाउड वर्टिसेस की कंडीशन पढ़ेंगे और वीक इंट्रैक्शन का Feynman डायग्राम बनाने के लिए उस डायग्राम में गेज बोसोन यानी Z या W प्लस माइनस का होना जरूरी है. इट मस्ट बी इन्वॉल्व देयर. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें W माइनस है पार्टिकल, वो इनकमिंग पार्टिकल है एट द वर्टेक्स और उससे दो आउटगोइंग पार्टिकल्स निकलते हैं जिसमें से एक है डाउन क्वार्क और दूसरा है एंटी अप क्वार्क. तो इनकमिंग गेज वेक्टर बोसोन और उससे दो क्वार्क्स, एक क्वार्क और उसका एंटी क्वार्क आउटगोइंग होता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में बताते हैं कुछ ऐसी होगी. दूसरा एग्जांपल में भी W माइनस बोसोन है एट द वर्टेक्स, वो इनकमिंग है और उससे हमें मिलते हैं दो आउटगोइंग क्वार्क्स. यहाँ पर वो क्वार्क स्ट्रेंज और एंटी चार्म क्वार्क है. स्ट्रेंज और सी बार एंटी चार्म क्वार्क है. इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में बताते हैं तो कुछ ऐसा होगा. इसी तरह से एक और प्रोसेस पॉसिबल है जिसमें W माइनस बोसोन इनकमिंग है वर्टेक्स पर और जो क्वार्क्स यहाँ गिव आउट हो रहे हैं वो है बॉटम क्वार्क और एंटी टॉप क्वार्क. और इस प्रोसेस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे करेंगे इक्वेशन की फॉर्म में. तो वीक इंट्रैक्शन के ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.